नमस्कार दोस्तों, स्मॉल बिजनेस आइडियाज चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस आपने कहीं पर देखा नहीं होगा और कहीं पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है, अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आपको काफी सारा बेनिफिट भी होगा। किस प्रकार से बेनिफिट होगा, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, कितने अमाउंट के अंदर आपका इसको रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, कौन सी मशीनरी परचेस करनी होगी और कितना फायदा और कितना नुकसान इस बिजनेस को करने की वजह से आपको होता है, तो उसके बारे में आज आपको पूरी की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आपको काफी सारा बेनिफिट आपके बिजनेस के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो जो मशीन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो पिलो फिलिंग मशीन, दोस्तों आपको कौन सा बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताऊं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर आज लोगों को कई सारे अलग अलग प्रकार के गद्दे और पिलो की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो काफी सारे पिलो और गद्दे की रिक्वायरमेंट की वजह से इस बिजनेस के अंदर भी बहुत सारा डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि बिजनेस की करने की वजह से इस बिजनेस के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम करना होता है और बेनिफिट इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो कॉटन की प्राइस है वो दोस्तों पर केजी की हम शायद आप अंदाजा लगा ले तो 100 रुपीज से लेके 110 रुपए तक, यानी बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन आता है अगर आप वो परचेस करते हैं और उसी से आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत काफी सारा बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा। क्योंकि एवरेजन में पिलो की प्राइस आपको बताऊं, जैसे कि आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग वेराइटीज के प्रकार के जो पिलो आते हैं उसकी प्राइसिंग अगर आप देखे तो पर केजी के हिसाब से नहीं, उसके अंदर दोस्तों पफ भी बहुत यूज होता है, बट उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपको भी बेनिफिट होगा और जो लोग आपके पास से पिलो, अगर आपने क्वालिटी अच्छी रखी तो आपका बिजनेस तो आगे ही बढ़ेगा, बट जो लोग आपसे ये चीज परचेस करते हैं उन लोगों को भी बेनिफिट होगा और आपकी एक प्रकार से आपके बिजनेस की मार्केटिंग हो जाएगी। क्योंकि पिलो में एक फिलिंग मशीन दोस्तों ऐसी मशीन है जिसकी वजह से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने की वजह से आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। जिस प्रकार से मैं मगा बताऊं कि कई जगह पर मैंने देखा है कि पिलो की जो रॉ मटेरियल की प्राइस और सारी कुछ चीजें मिलाने के बाद भी जो पिलो की प्राइस होती है वो काफी कम होती है, बट उनको मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई सारे हाई प्राइस पर सेल किया जाता है, तो हाई प्राइस पे सेल करने की वजह से अगर आपने एक दिन के अंदर काफी सारे पिलो या काफी सारी जो गद्दे हैं वो आपने सेल कर दिए तो आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। आजकल तो कई सारी ऐसी कंपनी से जो ऑनलाइन भी ऑर्डर करती है, यानी किसी दूसरे लोगों से पिलो बनवाती है और अपने नाम के या अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसी के नाम पे वो लोग सेल आउट करती है, तो ऐसी कई सारी कंपनी आपको बाजार में मिल जाएगी। बट वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो ये मशीनरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी हिसाब से आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूं। आप छोटे पैमाने पे भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बाजार में देखा होगा कई ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे पैमाने पे पिलो ये गद्दे ये फुलफिल करके लोगों को बेचते हैं, बट ये बिजनेस को अगर आप ब्रांड बना देते हैं और ब्रांड बनाने के बाद अगर ये बिजनेस को आप प्रॉपरली चलाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं बिजनेस प्लानिंग की बात करूं दोस्तों, तो प्लानिंग के लिए इसके अंदर बहुत कोई बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस सिर्फ रॉ मटेरियल पे ही ध्यान देना होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि कॉटन कहां से परचेस करें, कौन सा कॉटन ज्यादा पर आसान रहेगा और कौन से कॉटन परचेस करने की वजह से आपको बिजनेस के अंदर बेनिफिट होगा, तो यही सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है। क्योंकि जो क्वालिटी आप अच्छी दोगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्राहक को वही चीजें आसान से अट्रैक्ट करती है जिसके अंदर बेनिफिट ज्यादा मिले और कम प्राइस के अंदर अच्छी खासी चीजें ही लोगों इंडियन मार्केट के अंदर आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट ऐसा दोस्तों है जहां पर बार्गेनिंग लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्राइस भी सेट करनी है और प्राइस सेट करने की वजह से आपको बेनिफिट कितना मिलता है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। अभी दोस्तों मैं आपको बात बताऊं कि किस प्रकार से सेटअप करना है। दोस्तों सेटअप करने के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी जगह की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप छोटी सी जगह से भी ये स्टार्ट करते हो, सिर्फ इसके अंदर मार्केटिंग आपको अच्छा करना है। क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि कई जगह पे ऑनलाइन भी ये सारी चीजें मिलती है और ऑनलाइन भी इसकी अट्रैक्टनेस और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी आप दाम पे वहां से मिल जाती है, तो लोग कई जगह पे जो परचेस करने के लिए जाते हैं तो वो सारी चीजों के अंदर कंपैरिजन करने के बाद ही ये चीजें परचेस करते हैं। रही बात बेनिफिट की दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये बिजनेस आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं।
बिना किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए बिना भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए, बट ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप रिसर्च कर लीजिए किस प्रकार से सारी चीजें होती है। अगर आपके एरिया के अंदर ये बिजनेस प्रॉपरली चलता है तभी ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वरना आप ये बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने इन्फॉर्मेशन के बिना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो फिर नुकसान आप ही को होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।